वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे रेसिडेंशियल स्टेटस लेक्चर नंबर 4। ठीक है, आज हम लोग फोर्थ लेक्चर देखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस का। लास्ट लेक्चर में मैं यहाँ तक आपको पढ़ा चुका हूँ रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस दो टाइप का होता है। ठीक है, और तो यहां तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अब आगे देखते हैं। एक रिवाइज कर देता हूं 5 मिनट में, तो अपना लिंक एस्टैब्लिश हो जाएगा, फिर कंटिन्यू करेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस मैंने आपको बताया था, क्यों फाइंड आउट करते हैं। एक पर्सन का इनकम दो टाइप का होता है, टैक्सेबल इनकम, नॉन टैक्सेबल। तो कौन सा इनकम उसका टैक्सेबल है, कौन सा इनकम उसका टैक्सेबल नहीं है, ये पता करने के लिए, ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करते हैं। और भी सेक्शन है जिसमें बताया है कौन सा इनकम टैक्सेबल होता है, कौन सा नहीं होता है, है उससे भी वो तो है, रेसिडेंशियल स्टेटस से भी फाइंड आउट किया जाता है। इसके लिए हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, ये पर्पज़ है रेसिडेंशियल स्टेटस सीखने के पीछे, टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इनकम इज टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल। तो अब एक इंडिविजुअल पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस, इंडिविजुअल पर्सन का दो टाइप का होता है, या तो वो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट, दो में से एक, दोनों नहीं होगा, या तो वो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। अभी सेक्शन 6 और सेक्शन 1, ठीक है, अब इसमें देखो दो कंडीशन है। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस क्या फाइंड आउट करने के लिए, इंडिविजुअल पर्सन रेसिडेंट है या नहीं। ओके, अब दोनों नहीं, दो में से एक कंडीशन ही फुलफिल करना है, आइदर फर्स्ट और सेकंड। कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है, आपको इंडिविजुअल पर्सन का क्या चेक करना है, स्टे इन इंडिया लिखा है, ही और शी शुड बी इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर 182 days और मोर। तो कंडीशन नंबर 1 कहता है आप इंडिविजुअल पर्सन का इंडिया में कितने दिन स्टे किया वो चेक करो, अगर 182 days स्टे किया तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड रेसिडेंट, और अगर 181 days स्टे किया है या 180 days स्टे किया है, मतलब 182 days से कम दिन स्टे किया है, तो कंडीशन 1 से फिर आप सेकंड कंडीशन चेक करो। सेकंड कंडीशन दो पार्ट में, दोनों पार्ट फुलफिल होना चाहिए। पार्ट ए क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर में इंडिविजुअल पर्सन इंडिया में कितने दिन होना चाहिए, 60 days और मोर, और उसके पीछे के 4 साल में 365 days और मोर होना चाहिए। ये दोनों पार्ट फुलफिल होना चाहिए तो वो सेकंड कंडीशन फुलफिल करेगा। सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गया तो रेसिडेंट, सेकंड कंडीशन फेल हो गया तो नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब ये जो सेकंड कंडीशन है इसके दो एक्सेप्शनल है, मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, आप लास्ट लेक्चर मेरा व्यू कर सकते हैं, उसमें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं सिर्फ एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये जो एक्सेप्शन है वो ये सेकंड कंडीशन के लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। फर्स्ट कंडीशन सबको कंपल्सरी है, सबको, हर एक इंडिविजुअल को कंपल्सरी फर्स्ट कंडीशन सबको चेक करना है, लेकिन सेकंड कंडीशन सबको नहीं चेक करना। सेकंड कंडीशन आपको किसको चेक करना है, जो एक्सेप्शन में नहीं है। आपको एक्सेप्शन क्या है, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर ये सेकंड लॉ जो है, सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, जिनके ऊपर ये जो सेकंड कंडीशन है एप्लीकेबल नहीं है। ओके, अब ये जो सेकंड कंडीशन है, ये जो सेकंड कंडीशन है वो सारे इंडिविजुअल को एप्लीकेबल नहीं है,
कुछ एक्सेप्शनल लोग हैं जिनको सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होता, कुछ एक्सेप्शनल लोग हैं। अभी इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, ओके, अब उसमें से कुछ लोग हैं जो एक्सेप्शनल हैं, जिनको ये सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन लोग हैं वो? दो लोग, एक वो जो इंडिया से जा रहे हैं ये, और दूसरा वो लोग जो इंडिया में आ रहे हैं, दूसरी कंट्री से इंडिया आ रहे हैं। ये दो लोग एक्सेप्शन में आते हैं। पहला, जो लोग इंडिया से जा रहे हैं, अब इंडिया से बहुत लोग जाते हैं और अलग अलग पर्पस के लिए जाते हैं। कुछ लोग इंडिया छोड़ के क्यों जा रहे हैं? टूरिज्म। कुछ लोग क्यों जाते हैं? स्टडीज। कुछ लोग क्यों जाते हैं? हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए फॉरेन में, ठीक है। कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर में वो सब लोग, वो सारे इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर क्या है तुम्हारा याद रखना, हमेशा प्रीवियस ईयर याद रखना, तुम लोग का प्रीवियस ईयर है 2019-2020 और असेसमेंट ईयर है 2020-2021, ये तुम्हारा असेसमेंट ईयर है, 19-20 ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर है, बराबर। मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 ये एक साल जो है ये प्रीवियस ईयर है। ये एक साल में वो सारे लोग, वो सारे इंडिविजुअल जो इंडिया छोड़ के गए, बराबर, और इंडियन सिटीजन है, वो लोग कौन होने चाहिए? वो इंडिविजुअल सारे जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के गए और एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के गए, तो वो लोग सब एक्सेप्शन नंबर वन में आ जाएंगे। और एक्सेप्शन वन में आएंगे तो क्या होगा, ये जो सेकंड वाला कंडीशन है उनको एप्लीकेबल नहीं है, मतलब उन पर लागू नहीं होता है, उनको खाली फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल है। मतलब हम फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे उनको, जो इंडियन सिटीजन प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्री में गए एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये फुलफिल हो गया तो वो रेसिडेंट कहलाएंगे, और अगर ये फेल हो गया तो, फर्स्ट कंडीशन फेल हो गया तो सीधा क्या बोले जाएंगे, नॉन रेसिडेंट। उनको ये सेकंड एप्लीकेबल नहीं है। बट याद रखना, कौन लोग, वो इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, लीव्स इंडिया, कौन सी ईयर में इंडिया छोड़ के जाना चाहिए, प्रीवियस ईयर, क्यों जाना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एज अ मेंबर ऑफ इंडियन फ्री, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए वो इंडिया छोड़ के जाना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सेप्शन है। सेकेंड एक्सेप्शन, इफ एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ, ये सेकंड एक्सेप्शन है। तो मैंने बताया था ना, एक्सेप्शन में दो लोग आते हैं, दो तरह के इंडिविजुअल आते हैं, एक जो प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, उनको ये सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। और सेकंड एक्सेप्शनल केस ये है, ये वो लोग हैं जो फॉरेन में रहते हैं और प्रीवियस ईयर में वो इंडिया आ रहे, वो दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, प्रीवियस ईयर में वो इंडिया आ रहे हैं, ये लोग एक्सेप्शन में आएंगे। अब प्रीवियस ईयर में तो बहुत सारे लोग इंडिया आए, बहुत सारे लोग, क्या वो सारे एक्सेप्शन टू में आते हैं? नहीं, उसमें से भी कुछ लोगों को एक्सेप्शन में डाला है, सबको नहीं डाला है। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग इंडिया में आ गए प्रीवियस ईयर में वो सब एक्सेप्शन में आते,
तो ऐसा क्या होगा फिर, अपना जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो प्रीवियस ईयर में इंडिया के बाहर चले जाएंगे और फिर प्रीवियस ईयर में इंडिया में आ जाएंगे और एक्सेप्शन में आ जाएंगे और टैक्स देने से बच जाएंगे, है कि नहीं? देखो, अगर नॉन रेसिडेंट बन गया पर्सन उसको टैक्स कम आएगा, रेसिडेंट बना उसको टैक्स ज्यादा आएगा। तो हर आदमी, हर बिजनेसमैन ट्राई करेगा टैक्स अवॉइड करने के लिए लीगल तरीके से। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, वो सारे लोग जो इंडिया आते हैं वो सब एक्सेप्शन में नहीं आएंगे, ठीक है? कौन आएगा एक्सेप्शन में? देखो लिखा है, इफ एन इंडियन सिटीजन, अगेन वो इंडिविजुअल जो इंडिया में आ रहा है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, बराबर, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आगे क्या लिखा है, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बराबर। मतलब अगर वो फॉरेन सिटीजन है, फॉरेन सिटीजन है तो एक्सेप्शन टू में आ सकता है, नहीं आ सकता। हाँ, अगर वो फॉरेन सिटीजन है लेकिन वो क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मैं बताता हूँ व्हाट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोलते हैं, जो इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन या तो वो या तो उसके बाप दादा, ग्रैंड पेरेंट्स या उसके फादर, ग्रैंड फादर्स, वो इंडियन सिटीजन थे। देखो सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा ले, मैं इंडियन सिटीजन हूँ, अभी मैं अमेरिका चले जाता हूँ, बराबर, ठीक है? अब मैं वहां चले जाता हूँ, वहां जाकर मैं एक अमेरिकन लड़की से शादी कर लेता हूँ। अब मेरी वाइफ जो है वो अमेरिकन सिटीजन है तो मुझे भी अमेरिकन सिटीजनशिप ऑफर कर लेंगे, मैं ले लूंगा। अब जैसे ही मैं अमेरिकन सिटीजनशिप लेता हूँ मेरा इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, समझे आप? तो अब मैं इंडियन सिटीजन नहीं, बट था ना, अब मैं कौन सा सिटीजन हूँ, अमेरिकन सिटीजन, आई एम फॉरेन सिटीजन, बट मैं अपने लाइफ में कभी इंडियन सिटीजन था क्या? हाँ। तो मैं क्या हो गया, मुझे क्या बोलेंगे अब, इंडियन सिटीजन नहीं बोलेंगे, अब मुझे क्या बोलेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब मेरे जो बच्चे होंगे वो तो अमेरिका में ही पैदा हुए, वो तो बाय बर्थ अमेरिकन सिटीजन है, बाय बर्थ। लेकिन उनके खानदान में कभी कोई इंडियन सिटीजन था क्या? उनका बाप, मैं था इंडियन सिटीजन। तो वो जो मेरे बच्चे हैं वो भी क्या बोले जाएंगे, वो भी इंडियन सिटीजन नहीं है, वो भी क्या बोले जाएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अच्छा, उनके जो बच्चे होंगे वो भी बाय बर्थ अमेरिकन सिटीजन है लेकिन उनके खानदान में कभी कोई इंडियन सिटीजन था? हाँ, उनका ग्रैंडफादर, उनका दादा, मैं इंडियन सिटीजन था। तो अगेन वो भी, मेरे जो पोते हैं वो भी क्या, वो इंडियन सिटीजन नहीं, बट वो भी क्या बोले जाएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको कहते हैं। तो अगर कोई पर्सन जो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो में से एक, या तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दो में से एक होना चाहिए, ठीक है? कम्स टू इंडिया, इंडिया आ रहा है, इंडिया आ रहा है, हा? कब आ रहा है? प्रीवियस ईयर में आना चाहिए, 1920 में आना चाहिए इंडिया, अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 ये पीरियड में इंडिया आना चाहिए। वो फॉरेन में रहता है, प्रीवियस ईयर में वो इंडिया आया। अच्छा, 18-19 में आया था, ये साल आया था, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि इधर लिखा है कौन से ईयर में इंडिया आना चाहिए, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के पहले आया तो नहीं, वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर में देखो, प्रीवियस ईयर में आया कि नहीं, क्योंकि हम लोग जो इनकम टैक्स कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं ना, लॉजिक समझे क्या? हम प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का देख रहे इधर, तो प्रीवियस ईयर में वो इंडिया आना चाहिए, या तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, दो में से एक। प्रीवियस ईयर में कम्स टू इंडिया, इन द प्रीवियस ईयर क्या पर्पस के लिए इंडिया आना चाहिए, फॉर अ विजिट। विजिट मतलब समझते हो, वो प्रीवियस ईयर 19-20 में इंडिया आया,
यहाँ कुछ दिन रहा, 31 मार्च 2020 को प्रीवियस ईयर एंड होता है ना, 31 मार्च 2020 से पहले वो इंडिया छोड़ के चले जाना चाहिए। समझा? अगर वो 31 मार्च 2020 तक इंडिया में रह रहे, वो प्रीवियस ईयर में आया और 31 मार्च 2020 को वो इंडिया में ही था, तो वो विजिट नहीं माना जाएगा, स्टे माना जाएगा। हाँ, वो स्टे माना जाएगा, फिर वो सेकेंड एक्सेप्शन में नहीं आएगा। भले वो इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कम्स टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, लेकिन विजिट के लिए होना चाहिए। मतलब वो प्रीवियस ईयर में आया और प्रीवियस ईयर खत्म होने से पहले उसको वापस चले जाना है, इंडिया छोड़ के जाना है उसको, तब वो सेकंड एक्सेप्शन में आएगा। और अगर वो इधर स्टे करता है, फिर वो सेकंड एक्सेप्शन में नहीं आएगा, फिर वो एक्सेप्शन में नहीं आए, फिर उसको ये सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर फर्स्ट कंडीशन फेल होगा तो सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। क्लियर? तो ये दो लोग एक्सेप्शनल लोग हैं। मतलब ये दो लोग, ये दो तरह के जो इंडिविजुअल है वो खास है, वो एक्सेप्शनल लोग हैं। अच्छा, उनको एक्सेप्शन क्या है, उनको ये दूसरा कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। किसको? ये दो लोगों, ये दो तरह के इंडिविजुअल्स को सेकंड कंडीशन है ही नहीं उनके लिए, खाली एक ही कंडीशन है फर्स्ट। उनको, ये दो तरह के लोगों को खाली फर्स्ट कंडीशन चेक करो, अगर सेटिस्फाई किया तो रेसिडेंट, नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट, एकदम सिंपल। अच्छा सर, अगर एक्सेप्शन वन और एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन में नहीं आते तो? हाँ, तो फिर उसको सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल है, हम लोग पहले फर्स्ट चेक करेंगे, अगर ये फेल हो गया तो सेकंड चेक करेंगे। समझे कि नहीं? वेरी सिंपल। ओके, तो ये एक्सेप्शनल एक्सेप्शंस है, ठीक है। तो ये अपना जो थ्योरी है रेसिडेंशियल स्टेटस का, एक पार्ट खत्म हो गया, इसका एक सेकंड पार्ट भी है, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले ये फर्स्ट पार्ट के ऊपर हम लोग कुछ दो चार सम सॉल्व कर लेंगे। सम सॉल्व करने से आपको समझ में भी आएगा कि भाई इसका यूज क्या है, ये कंडीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे चेक किया जाता है, बराबर। ये आपको समझ में भी आएगा, कुछ सम सॉल्व कर लेंगे और एग्जाम में इसके ऊपर सम्स आएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक सम करेंगे, ठीक है, तो एक बार जरा देख लो कैसे जाना है, फिर उसके बाद सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, अभी आपको किसी भी पर्सन का, किसी भी इंडिविजुअल का, तुमको खुद का या अपने दोस्त का या किसी का भी, किसी भी पर्सन का अगर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, तो सबसे पहले क्या चेक करने का, फर्स्ट कंडीशन। ये हमारा तरीका है, हम लोग ऐसे जाएंगे हमेशा, हम लोग पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गया तो रेसिडेंट, फिर ये सेकंड कंडीशन चेक करने का जरूरत नहीं है, ये एक्सेप्शन देखने का जरूरत भी नहीं है, मतलब फिर आगे कुछ भी नहीं देखना है। अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो इसके आगे और कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा है फर्स्ट कंडीशन में, आपको क्या देखना है, स्टे इन इंडिया, इंडिया में कितने दिन रहा, ठीक है। अगर वो पर्सन प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे करता है कितने दिन, 182 डेज या उससे ज्यादा, तो कंडीशन नंबर वन फुलफिल, रेसिडेंट, ऐसे जा रहा है। अगर प्रीवियस ईयर का देखो, स्टे देखो, सब में वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो इंडिया में कितने दिन रहा है, वो इंडिया में कब आया था, कब इंडिया छोड़ के गया, वो पूरा इंफॉर्मेशन वो लोग देते हैं। आप सम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको खाली डेज कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो अगर वो इंडिया में 182 डेज इंडिया में स्टे किया है इंडिविजुअल ने, कंडीशन वन सेटिस्फाइड, क्या बनेगा, वो रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन अगर 182 डेज से कम स्टे किया तो, 181 डेज स्टे किया, 180, 60 डेज, 50 डेज स्टे किया तो, 182 से कम डेज स्टे किया तो कंडीशन वन फेल,
ये फेल हो गया, कंडीशन वन फेल हो गया ना, फिर आपको क्या चेक करना होता है, सेकंड कंडीशन चेक करना होता है। लेकिन तरीका सुनो, हम लोग सीधा सेकंड कंडीशन नहीं चेक करेंगे, क्योंकि सेकंड कंडीशन का एक्सेप्शन भी है ना, कुछ लोगों को सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, बराबर ना। तो फर्स्ट कंडीशन फेल हो जाए तो सेकंड कंडीशन सीधा जाके चेक मत करो, पहले एक बार एक्सेप्शन देख लो कि वो इंडिविजुअल जो है कहीं एक्सेप्शन में तो नहीं आता है, क्योंकि अगर वो एक्सेप्शन में आ रहा है तो सेकंड कंडीशन उसको एप्लीकेबल नहीं आया होगा। तो अगर आप सेकंड कंडीशन चेक कर लोगे पहले, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर वो एक्सेप्शन में आ गया तो। आप लोग के दिमाग में जा रहा है ना कि आपने सेकंड कंडीशन, चलो फर्स्ट फेल हो गया, आपने सेकंड चेक कर लिया, सेकंड चेक करने के बाद में आपने एक्सेप्शन चेक किया, आपने एक्सेप्शन चेक किया, पता चला एक्सेप्शन वन में आ गया वो, तो आपने जो सेकंड कंडीशन चेक किया फेल हो जाएगा ना, वो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि उसको सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं, चेक ही नहीं करना था। जो लोग एक्सेप्शन में आते हैं उनको सेकंड कंडीशन नहीं चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन अगर फेल हो जाए ना, तो सेकंड कंडीशन चेक करने से पहले एक बार देख लेंगे कहीं वो इंडिविजुअल एक्सेप्शन वन या एक्सेप्शन टू में तो नहीं आ रहा है। अगर वो ये दो में से चाहे वन में आ जाए या टू में आ जाए, एक्सेप्शन वन या टू, दो में से किसी भी एक्सेप्शन में अगर वो आ गया, किसी एक में भी आ गया, ये दो में से किसी एक एक्सेप्शन में भी आ गया, तो क्या होगा, फिर ये सेकंड कंडीशन उसको है ही नहीं, वो सीधा क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। फर्स्ट कंडीशन ही है उसको, तो फर्स्ट कंडीशन वो फेल करेगा तो नॉन रेसिडेंट, फर्स्ट कंडीशन पास करेगा तो रेसिडेंट, उसको सेकंड कंडीशन है ही नहीं जो एक्सेप्शन में आता है। तो पहले हम लोग एक्सेप्शन चेक कर लेंगे कि एक्सेप्शन वन में तो नहीं आ रहा है, एक्सेप्शन टू में तो नहीं आ रहा है, समझे। अगर एक्सेप्शन में आया तो सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल दो नॉन रेसिडेंट, खत्म, बराबर। अगर किसी भी एक्सेप्शन में आ गया तो, और अगर वो फर्स्ट सेकंड दोनों एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है, तो ना फर्स्ट एक्सेप्शन में आ रहा है ना सेकंड एक्सेप्शन में आ रहा है, दोनों में से किसी भी एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम लोग वापस आएंगे, फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, ये सेकंड वाला कंडीशन चेक करेंगे। दोनों एक्सेप्शन में नहीं आया तो सेकंड वाला कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। अब ये जो सेकंड में जो कंडीशन है वो दो पार्ट में, ए बी, बराबर। पार्ट ए, उसमें वापस प्रीवियस ईयर का ही स्टे देखेंगे, प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिन स्टे किया, कितने दिन होना चाहिए, 60 डेज ही रखा है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज अगर हो गया तो पार्ट ए सेटिस्फाइड माना जाएगा, 60 डेज से कम हुआ तो पार्ट ए फेल। तो 60 डेज होना चाहिए और मोर, और पार्ट बी भी चेक करेंगे, वो भी फुलफिल होना चाहिए। पार्ट बी में क्या चेक करना है, 4 साल, कौन से 4 साल लेने, प्रीवियस ईयर के पीछे के 4 साल, प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, बराबर। और 4 साल में कितने दिन का इंडिया में स्टे होना चाहिए, 365 डेज और मोर। तो अगर ये सेकंड कंडीशन का पार्ट ए पार्ट बी दोनों पार्ट फुलफिल हो गया तो वो क्या बनेगा, रेसिडेंट, सेकंड कंडीशन फुलफिल, रेसिडेंट। और अगर दो पार्ट में से कोई एक भी फेल हो गया तो फिर वो क्या बनेगा, नॉन रेसिडेंट। ओके, तो आपको जाना कैसे है, पहले कंडीशन वन चेक करो, अगर ये पास रेसिडेंट, और अगर कंडीशन वन फेल तो एक्सेप्शन चेक करो, एक्सेप्शन में आ गया नॉन रेसिडेंट, एक्सेप्शन में नहीं आया तो सेकंड कंडीशन चेक करो, सेकंड कंडीशन पास रेसिडेंट, सेकंड कंडीशन फेल नॉन रेसिडेंट। इज दिस क्लियर एवरीवन, ठीक है। अभी हम लोग इस पे सम स्टार्ट कर सकते हैं, ओके, जस्ट वन मिनट।
आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सम स्टार्ट करेंगे। ओके।